Now, better pay attention. The chapter depreciation, what we have to start, it's a very easy chapter. A chapter wherein we have to just see 5 journal entries and the entire chapter gets over. खाली 5 ही journal entry में पूरा chapter खत्म हो जाएगा, right? But the most important is कि हमको ये जो सारे sums करने हैं, उसके लिए एक working बनानी पड़ेगी. और वो working कैसे बनानी है, वो हमें पहले सीखना पड़ेगा. But before we go on to those things, first we understand the meaning of the word what? Depreciation. Raise your hand. Raise your hand. What is depreciation? What is depreciation? Sir, bhav, osho thao. Maharsh? Wear and tear of assets. Okay. ध्यान ओके कैन आई से एनीवन एल्स ध्यान से कि हम असेट को यूज करते हैं तो ईयर ऑन ईयर उसकी वैल्यू कम होती जाएगी बिकॉज हम उसे यूज कर रहे हैं तो ईयर ऑन ईयर द वैल्यू इज गोइंग डाउन एंड दैट रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ असेट सिट ऑन द फर्स्ट बेंच गेट इनसाइड Reduction in the value of asset. That is said to be what? That is said to be what? Reduction in the value of asset. अब ये जो value asset की गिर रही है, वो permanent है. ऐसा नहीं होगा कि कोई दिन value बढ़ जाएगी. अगर asset को हम use करते जा रहे हैं, तो asset की value permanent उसमें decrease आता रहेगा. And the major reason to decrease To get the value reduced is the usage. हम asset को जितना use करते जाएंगे, उतना उसकी value क्या होती जाएगी? Down होती जाएगी. Are you getting it? अब ये जो depreciation है, वो हम always calculate करेंगे किस पर? Fixed assets पर. Depreciation हम किस पर calculate करेंगे always? It would be calculated always on the fixed asset. जैसे building है, machinery है, then vehicles है, furniture है, वो सारे अपने क्या है? Fixed assets. Land पर कभी depreciation नहीं आता है, जरा समझो, बहुत important है. जमीन पर कभी depreciation, उस पर हमेशा appreciation आएगा. क्योंकि अगर जमीन पर कोई बिल्डिंग उभू छे इने तमे तोड़ी ने नवो बिल्डिंग उभू करी सकसो जमीन की वैल्यू सेम ज रहे तो लैंड पर कभी डेप्रिसिएशन आता नहीं है वो भी अपना क्या है फिक्स्ड एसेट लेकिन लैंड पर हमेशा क्या आएगा डेप्रिसिएशन उसको छोड़ के बाकी सारे एसेट्स पर क्या आएगा डेप्रिसिएशन उनकी वैल्यू कम होती जाएगी जैसे उसने कहा बिकॉज ऑफ यूसेज या तो कोई टेक्नोलॉजिकल चेंज आया कोई क्या आया टेक्नोलॉजिकल चेंज आया जिस वजह से असेट की वैल्यू जीरो हो गई या तो कम होना शुरू हो गया जैसे आज तुम में से कोई भी पेजर यूज करता है पेजर नहीं हमारे फोन में ही एसएमएस का सिस्टम है व्हाट्सएप का सिस्टम है तो पहले पेजर के जमाने में ऐसा मैसेज आता था कि ये नंबर पर कॉल करो इससे तुम बात करो ऐसा वो टेक्स्ट मैसेज आते थे लेकिन अब वो आउटडेटेड हो गए हैं क्योंकि नवी टेक्नोलॉजी आ गई है तो असेट्स की वैल्यू कम होने का कारण ये भी है बिकॉज ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज कमिंग बट डेप्रिसिएशन विल बी अगेन कैलकुलेटेड ऑन इट विल बी कैलकुलेटेड ऑन फिक्स्ड असेट्स और जिन असेट पर डेप्रिसिएशन काउंट होगा उन असेट को हम कहेंगे डेप्रिसिएबल असेट जिस पर क्या आएगा डेप्रिसिएशन काउंट होगा उसको हम कहेंगे डेप्रिसिएबल असेट्स अरे हाँ क्या ना फिर डेप्रिसिएशन मेजरली डिपेंड करता है ऑन द यूजफुल लाइफ ऑफ असेट नाउ रेज योर हैंड बेटा व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड यूजफुल लाइफ ऑफ असेट डेप्रिसिएशन डिपेंड करता है किस पे ऑन द What is useful life of asset माने क्या? But what is useful life? ध्यान। Lifespan अगर
એના પછી वेरी गुड कैन आई से यूजफुल लाइफ ऑफ द असेट का मतलब क्या कैन आई से तुम अभी टू व्हीलर पर आते हो क्लास में मान लो तुम्हारे पास एक्टिवा है तुमने ये करंट ईयर में ही खरीदा रीसेंट ईयर में कितना साल उसको यूज कर पाओगे कितना साल यूज कर पाओगे यस 5 इयर्स कैन आई से 5 इज द मोस्ट मतलब यूज्ड इयर्स आई वुड से 5 साल के बाद जैसे अगर वो तुम एक्टिवा यूज करना कोशिश भी करोगे तो भाई रास्ते में कहीं बंद पड़ जाएगी पेट्रोल कहीं से लीक होना शुरू हो जाएगा टायर फट गए होंगे तो 5 साल के बाद वो एक्टिवा यूज करना अपने लिए एडवाइजेबल नहीं होगा इट हैज टू बी रिप्लेस्ड 5 साल के बाद क्या होगा हम भले फिर उसको अगर अच्छी कंडीशन में रखेंगे तो एक आध साल और खींच लेंगे लेकिन उसके बाद तो बदलनी पड़ेगी ना तुम ऐसा बोलोगे बस अभी एक्टिवा खरीद लिए लाइफ लॉन्ग चलेगी मजा है विल यू एबल टू डू दैट No, you need to replace that. तो हर एक asset का क्या होता है? उसके बाद उसको replace करना पड़ेगा. हर एक asset का क्या होगा? एक particular useful life होगा, एक span होगा. उसके बाद उस asset को replace करना ही पड़े. समझ रहे हो? समझ रहे हो? क्या ना से घर पे तुम्हारे TV कुछ साल के बाद replace होते रहते हैं? कि बेटा वही black and white TV चला आ रहा है. Can I say you replace that? Your mobile phone. अभी तो mobile phone ऐसा हो गया, 2 साल में तो हम replace कर देते हैं. Why? वो भंगार नहीं हो गया, लेकिन उसमें नवी technology नहीं है उस time की. इसलिए हम mobile को भी क्या कर देते हैं? Replace. तो हर एक asset का एक definite span है, उसका एक useful life है. उससे ज़्यादा फिर हम उसको use. तो जितना asset का क्या है? डेप्रिसिएशन उतना ही हम कैलकुलेट करेंगे जितना उसका क्या है यूजफुल लाइफ क्योंकि जब तक हम उस असेट को यूज कर पाएंगे तभी तो उसका क्या आएगा उसमें डेप्रिसिएशन इफ असेट इज नॉट यूज्ड तो उस पे डेप्रिसिएशन आवे आवे नहीं अब अकाउंट्स में क्या बोलते हैं जरा समझो अकाउंट्स में क्या बोलते हैं कि हमको डेप्रिसिएशन काउंट करने का एवरी ईयर क्या काउंट करने का डेप्रिसिएशन हम काउंट करेंगे एवरी ईयर और हम वो काउंट करेंगे ऑलवेज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर अकाउंटिंग व्यू पॉइंट क्या बोलता है कि तुम डेप्रिसिएशन गिनो मतलब तुम वो अमाउंट कैलकुलेट करो एवरी ईयर एंड दैट यू कैलकुलेट ऑलवेज एट द End of the financial year. Now, but what is my financial year? Praveen? क्या से पहली अप्रैल 2018 से अगर कोई साल शुरू होता है तो वो खत्म कब होएगा 31st March 2019. Our accounting year or this 1/4 से लेके 31st March is said to be the financial year. तो एवो क्या चाहिए कि डेप्रिसिएशन नहीं गणतरी क्या है करवानी ऑलवेज एट द एंड ऑफ द ईयर अरे एक करवानो लॉजिक सो एट द एंड ऑफ द ईयर पे हम करवानो क्योंकि वर्ष ना स्टार्टिंग थी आपने असेट वापरवानो चालू करशु जितलू वापरियो इतलू डेप्रिसिएशन आपवानो अरे आपने कितलू वापरियो ये खबर क्या रे पड़े ऑलवेज एट द एंड ऑफ द ईयर हमने असेट को कितना यूज किया वो कब पता चले ऑलवेज एट द एंड ऑफ द ईयर इसीलिए डेप्रिसिएशन का भी रूल क्या है अकाउंट का कि तुम उसे निकालो ऑलवेज एट द एंड ऑफ द ईयर लेकिन वो निकालने का कब एवरी ईयर ये निकालो नो क्या रे ऐसा नहीं कि भाई आज हमने एक्टिवा खरीदी 5 साल के बाद उसको स्क्रैप कर दिया बेच दिया क्योंकि उसका यूजफुल लाइफ तो 5 वर्ष पची तमे डेप्रिसिएशन काढो एवू नहीं हर वर्ष नो एवरी ईयर नो तमारे डेप्रिसिएशन काउंट करवानो अरे बिकॉज़ यू आर काउंटिंग डेप्रिसिएशन एवरी मोस्ट इंपोर्टेंट इट इज सेट टू बी माय रेवेन्यू एक्सपेंस कब एक्सपेंस के वासे जे हर वर्षे आवसे रेगुलर बेस पर आवसे એટલે મારો એક કયો એક્સપેન્સ છે રેવેન્યુ એક્સપેન્સ એન્ડ વન મોર ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ
depreciation is my non cash expense. क्या है बेटा वो अपना मतलब है क्या नॉन कैश एक्सपेंस का मतलब क्या कि तुमने खर्चा भी कर दिया और जेब से रोकड़ा नहीं गया तुमने क्या कर दिया खर्चा करा लेकिन जेब से पैसे जाते जैसे जैसे अगर मैं तुमको कहूं कि आज अगर तुम जो टू व्हीलर पर आए हो क्या से घर से निकले यहां तक आए इंजन स्टार्ट हुआ इंजन स्टार्ट हुआ क्या ना से इंजन में वेयर एंड टेयर आया बिकॉज यू स्टार्टेड यूजिंग इट अगेन व्हेन यू गो बैक होम विल यू अगेन स्टार्ट द इंजन क्या ना से टायर्स यूज होंगे अब देखो जैसे ही वो टायर यूज होंगे इंजन मशीन यूज हो रहा है उन सब में क्या आ रहा है वेयर एंड टेयर पर घरे जाइए अपने पापा ने ओके लो पापा 500 रुपया आज नो डेप्रिसिएशन मैं आज एटोमेट एप्रिशिएट करियो व्हीकल ले कैन यू काउंट इट नो अरे अगर इफ वी एट ऑल वी कैन काउंट इट तो वो पैसा देने का किसको अगर व्हीकल डेप्रिसिएट हो रहा है तो वो किसको देने का वो पैसा हम किसी को वो पैसा देते हैं नहीं है इट्स अ तो भेगू थतु जाए अरे 5 वर्ष पची जाए तुम्हारे पेलो एसेट कार्ड बनो थाए तारे एक साथे 5 वर्ष पची पैसा जाए हमरा 5 वर्ष સુધી કોઈ ખર્ચો નહીં પણ જેવો તમારે એસેટ રિપ્લેસ કરવાનો થયો એટલે ત્યારે તો પૈસા જશે ને તો એ તમારું ડેપ્રિસિએશન એ વખતે ગયું પૈસા રોકડામાં યસ મને ખબર પડે શું કહું છું આઈ એમ યુઝિંગ ધીસ એર કન્ડિશન ઇન માય બિઝનેસ એવરી ડે તો ડોન્ટ યુ થિંક રોજ ઇસ પે ડેપ્રિસિએશન આતા હોગા તો મેં અમિત સર રોજ એક દૂસરે કો 1000 રૂપિયા દેતે હોંગે हमें चलो आज 1000 रुपए मैंने ये एसी वापरा। We don't do that। लेकिन 5 साल के बाद जब ये एसी रिप्लेस करना पड़ेगा, जब एक साथ 40,000 का खर्चा आएगा, तब हमको पता चला ना कि एवरी ईयर हमने अगर ये पैसे थोड़े-थोड़े साइड में रख दिए होते, तो आज 5 साल के बाद जब ये एसी रिप्लेस करने को हुआ, तब वो डेप्रिसिएशन की अमाउंट हम सीधा इसको रिप्लेस करने में यूज कर सकते थे लेकिन ऐसा कोई कैश हमने कहीं पर रखा नहीं એટલે 5 વર્ષ પછી એક સાથે પૈસા તમારો આઉટફ્લો થશે પણ હમણાં એ થશે ઇટ્સ અ નોટ કેશ એક્સપેન્સ લેટ્સ રિવાઇઝ વોટ ઇઝ ડેપ્રિસિએશન પરમેનન્ટ ડિક્રીઝ ઇન ધ વેલ્યુ ઓફ એસેટ કેવું પરમેનન્ટ ડિક્રીઝ ઇન ધ વેલ્યુ ઓફ એસેટ એન્ડ ડ્યુ ટુ વિચ રીઝન એની રીઝન ઇટ કેન બી any reason depreciation will be calculated on which assets and those assets are said to be depreciable assets book mein ek aur theory di hai ki depreciation kabhi current asset par aata nahi hai current asset bole to cash maan lo abhi ye mere paas ye wapas ye 20 rupaye ki note hai ye ek saal tak agar mere purse mein rahi to kya next year mein isko aisa bolunga ye 20 rupaye ka abhi to 15 rupaye ho gaya क्योंकि एक वर्ष थी मेरा पॉकेट में थी डेप्रिसिएट થઈ ગઈ કેન વી સી ધેટ એક સાલ કે બાદ ભી યે 20 રૂપિયસ કી વેલ્યુ 20 રૂપિયસ હી રહેગી યે 50 રૂપિયસ કી વેલ્યુ ઇસીલિયે તો લોગ બેટા અપને તિજોરી મે ક્યા ભરતે હૈ ક્યા ભરતે તુમને ભી ક્યા ભરા હૈ બીકોઝ વો ઉસકી વેલ્યુ કેશ કા વેલ્યુ કભી ડેપ્રિસિએટ હોતા तो डेप्रिसिएशन कभी करंट असेट्स पर आते नहीं है इट्स ऑलवेज ऑन अरे एसेट में हो गया भाई क्या एसेट में हो गया भाई हमें डेप्रिसिएशन क्या सुधी तसे जहां सुधी सो से एसेट नो यूजफुल लाइफ એટલે 5 વર્ષ છે તો ડેપ્રિસિએશન આપણે એવરી યર ગણવાનું 5 વર્ષ સુધી અગર યુઝફુલ લાઈફ 10 વર્ષ છે તો ડેપ્રિસિએશન એવરી યર ગણવાનું ફોર 10 યર્સ I cannot say કે ભાઈ 10 વર્ષનો એક સાથે એવું નહીં 10 વર્ષને આપણે કટકા કર્યા છે એવરી યર એન્ડ ધેટ એવરી યર ઇઝ અ ફાઇનાન્શિયલ યર ધેટ એવરી યર ઇઝ અ ફાઇનાન્શિયલ વિચ બિગિન્સ ફ્રોમ 1st ઓફ એપ્રિલ એન્ડ ઇટ એન્ડ ઓન 31st માર્ચ એન્ડ ડેપ્રિસિએશન વિલ બી કેલ્ક્યુલેટેડ ઓન વિચ ડે મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ઇટ વિલ બી કેલ્ક્યુલેટેડ વિચ ડે એન્ડ ઓન ધ ફાઇનાન્શિયલ યર
क्योंकि उस टाइम पर हमको पता चल जाएगा कि ये असेट को हमने पूरे साल उसका यूसेज कितना हुआ है। पक्की बात? Yes. पक्की बात? Yes. अब हम अभी क्या कर रहे हैं, जर्नल एंट्रीज लिख रहे हैं जो ये पे मैंने पांच कही तुम्हें। दूसरा एक पॉइंट हमको क्या देखना है कि बेटा हम डेप्रिसिएशन किस पर निकालेंगे। अब मान लो मैंने मशीनरी बाई करी है 1,00,000 रुपए की और उस मशीनरी के लिए मुझे भरना पड़ा इंस्टॉलेशन का खर्चा 10,000 का। हमने कितने की मशीन बाई करी है? अरे एमा इंस्टॉलेशन नो खर्चो कितना आयो? 10,000 नो। तो क्या ये इंस्टॉलेशन का खर्चा इसमें ऐड करने का कि अलग से बताऊं? क्यों ऐड करने का? क्योंकि जब हम असेट बाई करते हैं तो कोई भी खर्चा अगर हुआ इन कनेक्शन टू द परचेज ऑफ असेट, इन कनेक्शन टू द, तो उसको हम ऐड करेंगे और हमें डेप्रिसिएशन 1,00,000 पर नहीं गिनने का, 1,10,000 पे हमें गिनने का। असेट के रिलेटेड कोई भी खर्चा है तो उसको असेट के कॉस्ट प्राइस में क्या कर दो? ऐड कर दो। एंड डेप्रिसिएशन उसी अमाउंट पे गिनने का, मतलब ऑन 1,10,000 आई कैलकुलेट डेप्रिसिएशन ऑन 1,10,000। पक्का? पक्का? नोटबुक निकालो, चलो लिखना शुरू करो। Now, give the heading. But give the heading. Basic journal entries. But basic journal entries. बट इनिशियल थियरी वाज देयर, मैंने करवा दिया सब, टेंशन ना लेना, सब करवा दी। अब हेडिंग मार दो, बेसिक जर्नल एंट्रीज एट द टाइम ऑफ डेप्रिसिएशन। बेसिक जर्नल एंट्रीज एट द टाइम ऑफ डेप्रिसिएशन। फर्स्ट बड़ा जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बना लेंगे, जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बना लेंगे। जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बना लेंगे बेटा। बन गया? First, purchase of asset. पहला क्या आएगा? Purchase of asset. तो बड़ा जरा थोड़ी बुद्धि चलाना। डेप्रिसिएशन कब हम कर पाएंगे? जब अपने पास असेट होगा। तो सबसे पहले क्या खरीदना पड़ेगा? असेट। उसके बाद ही उसको यूज करेंगे, उसके बाद ही उसमें वारंटी आएगा। अरे ना बचीज डेप्रिसिएशन आ रहा है। तो व्हेन यू परचेज असेट, रेज योर हैंड, व्हाट शुड बी माय एंट्री, व्हाट कम्स इन? व्हाट कम्स इन? व्हाट गोज आउट? कैश। वेरी गुड, एंट्री बन गई। जरा ध्यान से, जरा ध्यान से, मशीनरी अकाउंट डेबिट या तो असेट अकाउंट डेबिट कौन से अमाउंट से करने का? वट एवर द कॉस्ट प्राइस प्लस इंस्टॉलेशन एक्सपेंस। कॉस्ट प्राइस और अगर कुछ इंस्टॉलेशन एक्सपेंस हुआ तो वो दोनों प्लस करके डेबिट करने का, ठीक है? टू व्हाट गोज आउट? क्या से हम चेक से भी तो पैसा दे सकते हैं ना? तो चेक से पैसा दिया तो उसमें हम कॉस्ट प्राइस की अमाउंट लिखेंगे
कैश इफ वी आर गिविंग तो दैट वुड बी टूवर्ड्स द इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस. तो पैसे अगर हमने दिए तो चेक से हम देंगे क्योंकि मशीन की अमाउंट बहुत बड़ी होगी, लेकिन इंस्टॉलेशन का खर्चा 500 रुपया 1000 रुपया वो हमने किसमें दे देना, कैश में. सो बेटा एंट्री बनी कैसे वो पता चला, रटना नहीं है समझना है, व्हाट कम्स इन व्हाट गोज आउट. पैसे इट कैन बी बाय कैश और इट कैन बी बाय चेक, ठीक है. सेकेंड लिखो, वाह सेकेंड डेप्रिसिएशन ऑन असेट एट ईयर एंड. डेप्रिसिएशन ऑन असेट एट ईयर एंड, ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है. डेप्रिसिएशन की गिनती तो होगी लेकिन कब, ईयर एंड पर. बेटा व्हिच इज माय ईयर एंड, 31st मार्च. એટલે બેટા એ ડેટ મગજમાં ફિક્સ કરી દો, 31st ધેટ્સ માય ઈયર એન્ડ. એટલે ત્યારે જ ડેપ્રિસિએશન આવશે. ક્યારે આવશે, 31st માર્ચ. સો બેટા અભી હમ થિયરી પઢ રહે થે, જબ તુમ સો રહે થે તબ મેને બતાયા કે ડેપ્રિસિએશન અપના રેવન્યુ એક્સપેન્સ હૈ, હર સાલ વો ખર્ચા ગિનને કા, લેકિન નોન કેશ હૈ, લેકિન હર સાલ ઉસકો ગિનને કા. तो हम एक्सपेंस को क्या करते थे, एक्सपेंस को बनाओ एंट्री. डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी असेट, बिकॉज उस वजह से असेट की वैल्यू क्या हो जाएगी, गिर जाएगी. असेट की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. सो एंट्री क्या पड़ेगी बेटा, डेप्रिसिएशन टू 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 मशीन. थर्ड लिखो, ट्रांसफर डेप्रिसिएशन टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ट्रांसफर depreciation to profit and loss account. हाँ, ये वाली एंट्री में मजा आने वाला है बेटा, मजा आने वाला है. लेट्स गो टू द बचपन फ्लैशबैक बुक वन अकाउंट्स मारिए, बुक वन अकाउंट्स. We did one chapter called journal proper. Yes. Do you remember journal proper? Yes. उसमें last class का एक ऐसा sum था जहाँ पर हमने closing entries लिखी थी. Yes. क्या जबर acting करो ये सीज़ करते हैं. हमने वो journal proper में क्या सीखा था? मतलब हमको उसमें goods related कुछ item दी थी, purchase, sales, purchase return, sales return. तब हमने ऐसा सीखा इन सबको ट्रेडिंग अकाउंट में डालो, फिर जो एक्सपेंस है जो इनकम है उसे प्रॉफिट एंड लॉस में डालो. एक्टिंग yes. तो यहां पर भी डेप्रिसिएशन इज एक्सपेंस जिसे हमें क्लोज करके कहां ट्रांसफर करना है, प्रॉफिट एंड लॉस. अब उस टाइम पे मैंने तुमको ये क्लोजिंग एंट्री की ट्रिक बताई थी कि अगर एक्सपेंस डेबिट होता है तो क्लोज कर दे वक्त क्रेडिट करने का, अगर इनकम क्रेडिट होती है तो क्लोज कर दे वक्त डेबिट करने का. ये डेप्रिसिएशन क्या है बेटा अपना, डेप्रिसिएशन क्या है, उसे क्लोज करो. सो हम उसे क्रेडिट कर देंगे, डेबिट किसे करूं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में. अगर वो जा रहा है तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्या कर देंगे, डेबिट. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हम क्या कर देंगे, डेबिट. फर्स्ट एंट्री मशीन,
टू बैंक टू कैश. सेकंड एंट्री डेप्रिसिएशन टू मशीनरी. एंड थर्ड एंट्री बेटा इसके साथ ये कॉम्प्लीमेंट्री है. डेप्रिसिएशन आ वेट लेने ट्रांसफर करी ना कौन क्या है मां प्रॉफिट एंड लॉस मां. आ त्रण एंट्री बद्धा ज सम्मा उसे याद रहे से. इट्स सिंपल. यू हैव लर्नड इट और यू हैव मेड इट. सर व्हाट्स द डिफरेंस. इफ यू हैव मेड इट यू नीड नॉट लर्न इट एंड इफ यू कैन नॉट मेक इट देन प्लीज लर्न इट. सर क्या बोल रहे हो मेक इट लर्न इट लर्न इट मेक इट बहुत समझ नहीं आ रहा है. एंट्री में भगवाला ने क्या आप इंग्लिश में ध्यान दे रहे हो. इन शॉर्ट याद करवानो जी आक्रोटे करण एंट्री थसे बीजी बेजे आवे छे दैट्स ऑप्शनल. सम में अगर वो होगा तो वो एंट्री पास करेंगे नहीं तो हुर्रे. लिखो फोर्थ फोर्थ सेल ऑफ असेट एट लॉस. Sale of asset at loss. मतलब हमने क्या डिसाइड किया कि भाई ये मशीनरी असेट हमने जो बाय किया है उसको हम यूज तो कर रहे हैं लेकिन मजा नहीं आ रही है. उसकी यूजफुल लाइफ 5 साल है लेकिन 3 साल यूज करने के बाद ऐसा लग रहा है कि यार ये मशीन अब ज्यादा टिक इसको बेच देते हैं यार. लेट्स नॉट वेट फॉर 5 years. Let's not wait till its useful life gets over. Let's sell it off. तो मैंने बेच दिया, लेकिन वो मशीन बेचा कैसे? Loss. तुम स्कॉलर हो, एंट्री बताओगे चलो शाबाश मशीन को लॉस करके बेचा. Raise your hand, एंट्री चाहिए. Raise your hand. एक हाथ ऊपर हुआ है, दो हाथ, बहुत बढ़िया. बेटा जहां सबके हाथ ऊपर होने चाहिए सबके सर नीचे ही हैं. ठीक है लॉस ऑन सेल टू मशीनरी रॉन्ग एंट्री. पृथ्वी लॉस ऑफ असेट टू सेल्स. वेरी गुड बेटा राठौड़ के साथ ऐसा बैंक कर ले. गलत है राठौड़ के साथ बैंक कर ले. विश्वजीत लॉस ऑन सेल ऑफ असेट टू कैश या फिर बैंक. टू कैश नहीं कैश या फिर बैंक अकाउंट डेबिट. डेबिट होगा हाँ मतलब डेबिट क्या क्या होगा. तुमने यहाँ मशीन बेचा है तो पैसे पैसे है ना. पैसे आए तो हम तो बेटा डीमोनेटाइजेशन के बाद बैंक अकाउंट नहीं लिखेंगे. कैश हमने किसी से नहीं लेना है खाली फीस को छोड़ के. सो बैंक अकाउंट डेबिट. पैसे आए यू सोल्ड द मशीन पैसे आए तुमने लॉस करा. सो लॉस ऑन सेल ऑफ असेट उससे हम डेबिट करेंगे. व्हाट गोज आउट बट व्हाट गोज आउट बेन अब्राउ बट इतनी सिंपल एंट्री ना बनी तुमसे. सर सिंपल काम थी कितनी टफ है हाँ? जाओ सेल ऑफ असेट विद प्रॉफिट. बेटा लॉस करके बेचा है तो ऐसा भी हो सकता है ना कि कोई बकरा मिल जाए उसको प्रॉफिट में चिपका दे वे अपने मशीन प्रॉफिट में बेच दी. बेटा ये एंट्री ट्राई करोगे बनाने का. सर मैंने कुछ ना बनाना. ब्रज बैंक अकाउंट डेबिट हां प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट अकाउंट डेबिट. प्रॉफिट भी डेबिट करेगा. अरे बड़ा झाड़ भी चढ़ जाओ अंदर झाड़ भी चढ़ जाओ उधर देख रहा झाड़ भी चढ़ जाओ. गलत है उसकी एंट्री. बेटा ब्रज की एंट्री तो गलत है. पुरविल पुरविल क्या कह रहे हैं उसे नहीं रहा. सेल ऑफ असेट विद प्रॉफिट जे हमने ऊपर लॉस करीने बेचू ये तो हमें प्रॉफिट करीने बेचे छे. हां प्रॉफिट ऑन असेट टू प्रॉफिट ऑन असेट बस ही बस नकी कर लिया. चलो उसे फरीबार
उसको ट्राई करने दो कैश ऑन डेबिट हां टू प्रॉफिट ऑन असेट टू मशीनरी तो मशीनरी कितने जो बोलते पूर्विल हम साथ साथ हैं लखौड़ हां तो तेरी एंट्री बोल शादी नहीं है प्रॉफिट ऑन सेल बड़ा तुम्हें इतनी बुद्धि चलनी चाहिए लॉस को अगर हम डेबिट कर दे तो प्रॉफिट को क्या करेंगे And two beta what goes out? Two beta what goes out? Machinery. Two what goes out is machinery. बड़ा गुस्सा क्यों कर रही हो? समझाओ ना इन्हें. देख पछाड़ पछाड़ के गुस्सा कर रहे हो. बड़ा पांच एंट्री में से कौन सी वाली आई? तुम्हारी बैच में बड़ा ऐसे ही सवाल पूछने पड़ते हैं क्योंकि फिर नहीं तो ध्रुव बाहर निकल बोले सर कुछ नहीं आ रहा है समझ नहीं आ रही कुछ ध्रुव बेटा कौन सा वाला समझाओ पका है इंपॉर्टेंट है फर्स्ट थ्री एंट्री ठीक है फिर प्रॉफिट एंड लॉस करके बेचा वो सब में अगर ऑप्शनल है तो हम उसका एंट्री लिख देंगे ठीक है अब तुम अगर देखोगे अपनी टेक्स्ट बुक में तो डेप्रिसिएशन को गिनने की 3-10 मेथड दिए देखो जरा पेज नंबर 30 पर हाउ मेनी मेथड्स 10 मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन जस्ट इमेजिन अब देखो गुजरात सरकार को भी तुम्हारी कैपेसिटी पता है कि 10 मेथड हैं उसमें से खाली दो ही मेथड पर काम आएंगे बाकी वाली मेथड इज जस्ट फॉर आवर रेफरेंस आर यू गेटिंग इट बाकी सारी मेथड कह रहे हैं अपने रेफरेंस के लिए और उसमें से तुम्हारी स्कूल की टीचर कुछ एमसीक्यू बना सकती है जैसे डेप्लीशन मेथड है देखो नंबर 8 वाला yeah, yeah. उसको ब्रैकेट करके लिखो कि वो मेथड कब यूज होगी आयन ओर्स के लिए आयन ओर आयन आयन ओर बेटा तेरी ओर नहीं ना आयन ओर मतलब आयन की खान खान ओर इज अ खान कोल माइंस माइंस बड़ा उसमें से कोल निकाल निकाल के अपने वो माइन को खत्म कर देंगे ना डेप्लीट कर देंगे तेल का कुआ तेल निकाल निकाल के बड़ा वो कुआ खत्म हो जाएगा ना डेप्लीट हो जाएगा सो वो ये सारी असेट पर यूज होती है देखो तुम्हें पता नहीं था है मत करो इसलिए एमसीक्यू में लग जाएगी सो डेप्लीशन मेथड कौन से असेट के लिए है आयन ओर्स Coal mines, oil fields, लिखो। ऐसा पेंसिल से लिख डालो बेटा। ठीक है? पची माइलेज मेथड लिखो व्हीकल्स के लिए होती है माइलेज। ठीक है? अब ये एमसीक्यू में आ सकता था, इसलिए समझाया। अब अपने को सम कौन सी मेथड पे आएगा? देखो फर्स्ट टू मेथड है। नाम क्या है फर्स्ट टू मेथड फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड बड़ा फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड या तो उसका दूसरा नाम क्या है एसएलएम स्ट्रेट लाइन मेथड अरे दूसरी मेथड क्या है देखो आरबीएम दैट इज रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड या तो रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड ये दो मेथड पर अपने को सम आने वाले हैं Are you getting it? अब ये दो मेथड पर जो सम आने वाले हैं वो हम बाद में देखेंगे हमको पहले सीखना क्या है कि हमें वर्किंग कैसे करनी है What we need to learn? कि how to do the working because in each and every sum first I do the working पछी हूँ बदुआ journal entry के lecture जे पण बनावनो हशे आपणे बनावीशुं पण working वगर काम थशे नहीं तो आपणे शीखवानुं शुं छे के वर्किंग बनावानी केवी रीते तो ए प्रेक्टिस करीने आवशे तो आजे एक सम आपणे हूँ हमणां बोर्ड पर तमारी साथे करूँ पछी एक तमने जाते करवा आपूँ लखवानुं स्टार्ट करो अभी लिखना शुरू करो
on 1st April 2019 machinery worth 2 lakh purchased machinery worth 2 lakh purchased and 20,000 is paid. 20,000 is paid towards its installation. 20,000 is paid towards its installation. Provide 10% depreciation. Provide 10% depreciation on machine for 3 years. कितना वर्ष? त्रण वर्ष. तो बेटा format बनाओ working note date particulars and amount working. ऐसा बनाओ चलो कॉलम डेट पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट. हर्षित नाराज बेटा आवड़ से अजी तो समझ चलो नहीं थे आवड़ से हम रड़वानु सूझे हम आंखों में थी आंसू ना पड़ एवरी सीट थी जैसे बड़ा स्टार्ट करूं तुमने कब मशीन बाय करा व्हाट्स द डेट 1st April 2019 यू गॉट द मशीन ऑन 1st April 2019 कैन आई से द स्टार्टिंग ऑफ आवर ईयर द स्टार्टिंग ऑफ आवर फाइनेंशियल ईयर But what was the cost price of the machine? 2 lakhs. And us par plus, maine kuch installation expense kare kitne ke? So beta, wo bhi humko machine ke cost mein lena pade na? So beta, uska total cost kitna aala? 2,20,000. Barabar. अब ये असेट जो हमने बाय करा ये जो मशीन हमने बाय करा पहली अप्रैल को वो हम बिजनेस में यूज करना शुरू करेंगे yes. हम बिजनेस में यूज कर रहे हैं साल खत्म हो गया कब खत्म होगा साल 31st मार्च जैसे ही साल खत्म होगा हमको क्या करना पड़ेगा जैसे ही ईयर एंड होगा हमें क्या करना पड़ेगा हमें गिनना पड़ेगा देखो हमने ये मशीन को पूरे 12 महीने यूज किया तो हमें इस पे पूरे 12 महीने का क्या गिनना पड़े डेप्रिसिएशन सो ऑन व्हिच डेट विल आई कैलकुलेट डेप्रिसिएशन 31st मार्च 20 हम डेप्रिसिएशन काउंट करेंगे एट 10% के नाम से इसका कैलकुलेट करो 10% 2,20,000 का जरा कैलकुलेटर पर करके मत करो मैंने कर लिया 22,000 आएगा माइनस करो 1,98,000 Can I say depreciation minus करके 1,98,000 Can I say AJINSO के बारे मारू? Balance. बराबर? Don't copy. आपको भी लगा और पड़ी? हमें मैंने ये कहो कि मैं पहली अप्रैल 2019 से मशीन ली दूँ, आखु वर्ष मशीन वापरी ली दूँ, 31st March 2020 में पहुँची गयो। હવે કેના સે પહેલી એપ્રિલ 2020 થી નવો વર્ષ ચાલુ થશે મારો સેકન્ડ યર તો મારે મશીન વેચી દેવાનું તો આઈ કીપ ઓન યુઝિંગ ઇટ જબ તક ઇસકી ક્યા હે કોન સી લાઈફ હમ ઉસે યુઝ કરતે રહેંગે ના તો જબ સેકન્ડ યર મેરા શરૂ હુઆ સેકન્ડ યર મેરા શરૂ કબ હોગા તબ ઉસ મશીન કી વેલ્યુ હે કિતની 1,98,000
जब हमने बाई करी थी तब कितनी थी? 2 लाख। लेकिन पूरे साल यूज करने के बाद द मशीन वैल्यू हैज गॉन एंड देन आई एंटर माय सेकंड ईयर फ्रॉम व्हिच डेट 1/4/2020 अगेन आई स्टार्टेड यूजिंग इट अगेन आई एम यूजिंग इट फॉर द एंटायर वर्ष। क्या है बच्चे वर्ष? 1/4/2021 तो ये डेप्रिसिएशन सो करू पड़े सो 1990 માંથી આ માઈનસ કરીને કો કેટલા થાય છે 178 કેના છે એ મારો શું થઈ જશે અને હવે કેના છે મારો ત્રીજો વર્ષ ચાલુ થશે 2021 થી માય થર્ડ યર વિલ બિગિન બીકોઝ આઈ હેવ ટોલ્ડ યુ ટુ શો વર્કિંગ ફોર 3 યર્સ ફોર હાઉ મેની યર્સ 3 યર્સ સો આઈ નીડ ટુ ગો ટુ ધ થર્ડ યર And this is 31.3. It will end on 22. So, बेटा ये एक साल, ये दो साल, ये तीन साल. Yes. समझे आए? Yes. वापस depreciation आया at what rate? 10% 17820. 160. 160380 ये अपना क्या बचा बैलेंस और हमें 3 साल तक बोला था इसलिए यहां पर आके रुक जाने का ऐसा नहीं चलो हैंड आगे करता जी मजा आ जाए हैंड ये हुआ अपने करवानी जरूर वी स्टॉप हियर एट 3 इयर्स अब देखो यहां पर अगर तुमने ध्यान दिया हो तो मैंने पहले ये 10% इसका निकाला फिर ये 10% ये बैलेंस का निकाला फिर ये 10% वापस ये बैलेंस का निकाला बैलेंस 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 तो दिस इज राम भरोसे मेथड आरबीएम मेथड रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में ऐसे हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं yes. राम भरोसे yes. चालू करो राम भरोसे चालू करो बेटा यही वर्किंग तुम्हें खुद से अगर मैं करने के लिए दूं तो हो पाए यू आर सो कॉन्फिडेंट पर अगर यो समझो कि बीजी एक मशीन वरसना बच्चे ली दी होए बीजी एक मशीन वरसना बच्चे बेचे ली होए वेरी गुड बेटा नाउ यू आर इन योर चड्डी हां अब तुम अपना बोल रहे हो नहीं होगा सर वो बराबर बोले बड़ा ये वर्किंग खत्म कर देनी है तुमको एंड ये एंट्री प्लीज आपको याद कर लेनी है सो व्हेन वी आर मीटिंग इन द नेक्स्ट लेक्चर वी डायरेक्टली स्टार्ट द सम ठीक है यस तेज बंद कर दे